हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 13.1। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, ए कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट। कि क्या कह रहे हैं, हमारे पास एक सिलेंडर है, देखो फिगर भी बनाई हुई है मैंने यहाँ पर, एक सिलेंडर है हमारे पास जिसकी हाइट कितनी है 2.4 सेंटीमीटर। सिलेंडर की जो हाइट है डेट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4, और जो डायमीटर है सिलेंडर का वो कितना है 1.4 सेंटीमीटर। अभी कह रहे कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट, मतलब एक कॉनिकल शेप हमने उसके अंदर से जिसकी हाइट और डायमीटर वही है जो कि सिलेंडर के है, मतलब कोन का डायमीटर भी 1.4 है और कोन की हाइट भी कितनी है 2.4 सेंटीमीटर। इज हॉलोड आउट मतलब उसे कट करके उसमें से बाहर निकाला गया है, ठीक है। देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, उसके बाद जो सॉलिड बच गया उसका आपको क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब ध्यान से देखो इसमें, अब हमने इसमें से देखो एक सिलेंडर था हमारे पास, हमने क्या निकाल दिया उसके अंदर से, एक कोन को कट करके बाहर निकाल दिया, मतलब जो पोर्शन हमारे पास बचेगा वो किस शेप में बचेगा। अब देखो ये चीज बचेगी हमारे पास, सिलेंडर का इतना पोर्शन बचेगा हमारे पास, ठीक है, क्योंकि हमने जब इसके अंदर से ये पोर्शन कट कर दिया, ये वाला पोर्शन कॉनिकल वाला, ये पोर्शन तो कट हो गया, मतलब ये तो बाहर निकाल दिया कट करके, तो बेस तो हमारे पास बचा ही नहीं, और साथ में उसकी ये शेप हमारे पास बचेगी, मतलब टोटल ये शेप हमारे पास बच गई अब जब हमने उसके अंदर से एक कोन को भी बाहर निकाला, ठीक है। ये शेप बच गई हमारे पास क्योंकि उन्होंने बोला था हमारे पास एक सिलेंडर है उसके अंदर से एक कॉनिकल कैविटी को हॉलोड आउट किया, मतलब उसको बाहर निकाला। हॉलोड आउट मतलब होता है कि उसमें से हमने उसको होल करके बाहर निकाल लिया, ठीक है। जैसे ही ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन ये बाहर निकल गया, मतलब ये पोर्शन हट गया फिगर में से, और ये पोर्शन, ये बीच वाला सारा पोर्शन हट गया। जब ये पोर्शन हट गया देखो क्या शेप बच रही है, ये तो शेप बच रही है ये सिलेंडर वाला, जो ये लाइंस होगी साइड में, और कोन का ये पोर्शन, क्योंकि अंदर वाला ये सारा जो पोर्शन है ये सब हमारा बाहर निकाल चुके हैं, हम होल आउट कर चुके हैं, तो ये शेप हमारे पास बच गई है अब, ठीक है। अब इस बचे हुए पोर्शन का आपको क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया। अब इसका सरफेस एरिया क्या होगा, अब जो ये वाला पोर्शन है ये किसका पोर्शन है, ये सिलेंडर हो गया, और ये सिलेंडर का क्या होगा कट सरफेस एरिया, जो ये इतना पोर्शन होगा ये सिलेंडर का कट सरफेस एरिया हो गया ना, क्योंकि सिलेंडर का कट सरफेस एरिया मतलब जिसके टॉप और बॉटम ना हो, तो ना हमने बॉटम ली ना ही हमने टॉप ली, तो सिर्फ ये वाला जो पोर्शन हो गया ये हो गया कट सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ऐसे ही कोन का, कोन की भी हमने बॉटम हटा दी तो सिर्फ ये पोर्शन बच गया, क्योंकि ये पूरा है कोन और बॉटम हटा दी तो सिर्फ ये पोर्शन बच गया, डेट इज द कट सरफेस एरिया ऑफ कोन, प्लस ये वाला पोर्शन भी तो है, ये किस शेप में है हमारा, सर्कल की शेप में, तो सर्कल का एरिया भी इसमें क्या हो जाएगा ऐड। तो इस पोर्शन के एरिया का मतलब हमें क्या क्या निकालना है, कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कट सरफेस एरिया ऑफ कोन, सिलेंडर के कट सरफेस एरिया मतलब ये पोर्शन आएगा, इस पोर्शन का मतलब है कट सरफेस एरिया ऑफ कोन, और इस पोर्शन का मतलब है बेस एरिया ऑफ द सर्कल, मतलब जो टॉप वाला पोर्शन होगा इसका उसका एरिया निकालना, और ये किस शेप में है सर्कल की, तो इन तीनों को हमने प्लस करके क्या निकल जाएगा इस फिगर का टोटल एरिया। तो सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है, सिलेंडर की हाइट है 2.4, डायमीटर था 1.4, तो रेडियस क्या होती है डायमीटर का हाफ, तो 1.4 बाय 2 मतलब 0.7 सेंटीमीटर रेडियस आ गई सिलेंडर की, और इन्होंने कहा था इतने ही सेम ही हाइट का और सेम ही रेडियस का हमने क्या निकाला था उसमें से कोन, तो डेट मीन्स जो हाइट होगी कोन की वो भी कितनी हो जाएगी, हाइट ऑफ कोन दैट इज 2.4, और सेम रेडियस भी कोन की कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ कोन इज 0.7, दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, सो टोटल सरफेस एरिया या आप TS से भी लिख सकते हो ऑफ रिमेनिंग सॉलिड किस किस के इक्वल होगा, CSA ऑफ सिलेंडर
प्लस CSA ऑफ कॉन प्लस एरिया ऑफ अपर पार्ट या फिर अपर सर्कल लिख सकते हो, क्योंकि बेस वाला तो पोर्शन बाहर निकल गया तो ऊपर वाला पोर्शन बच गया ना हमारा अपर सर्कल. कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना होता है 2πRH एंड कॉन का πRL एंड एरिया ऑफ द अपर सर्कल, अपर सर्कल का πR स्क्वायर. तो इसके लिए सबसे पहले हमें अब क्या चाहिए, एल की वैल्यू चाहिए. एल मतलब स्लैंट हाइट होती है हमारी, ठीक है. स्लैंट हाइट मतलब एल दैट इज इक्वल टू अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर. अब आर की वैल्यू कितनी है 0.7 प्लस 2.4 का स्क्वायर. तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा 0.49 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576, और 2.4 का स्क्वायर हो जाएगा 5.76. आपको ये स्टेप पूरा पहले ही सॉल्व करना है, सॉरी मैंने पहले निकाला नहीं था. तो आपको एरिया राइट करने से पहले आपको एल फाइंड आउट करके दिखानी है. अब ये इसकी वैल्यू इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6.25, और 6.25 का जो स्क्वायर रूट होगा डेट इज 2.5 सेंटीमीटर. दिस इज द वैल्यू ऑफ एल दैट इज स्लैंट हाइट. तो बस अब सभी वैल्यूज यूज कर देते हैं. 2 × π की वैल्यू 22/7. रेडियस कितनी आई हमारी 0.7 0.7, और हाइट कितनी है कौन की, सॉरी सिलेंडर की हाइट है 2.54, जो कि वही है जो कि कौन की हाइट है 2.4 प्लस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस इज 0.7 और एल आ गई हमारी 2.5 प्लस पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितनी है हमारी, क्योंकि सर्कल की रेडियस भी तो वही होगी जो कि हमारी सिलेंडर की रेडियस थी. ये क्योंकि जो ये पार्ट है वो अपर पार्ट किसका है, सिलेंडर का. तो 22/7 इंटू रेडियस है हमारी 0.7, तो 0.7 मल्टीप्लाई 0.7. अब जो जो वैल्यू कट होगी सो कट कर देते हैं, 7 से ये कैंसिल होगा तो कितना आएगा 0.1. ऐसे ही यहां से भी 0.1 क्योंकि 7 बन जा 7, 7 से इसको कैंसिल करेंगे 0.1. बस अब सभी वैल्यूज के ऊपर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई. आप चाहो तो देखो सभी में से जो 22 और 0.1 कॉमन आ रहा है वो बाहर ले सकते हो. 22 × 0.1 बाहर ले लिया क्योंकि तीनों वैल्यूज में ये वैल्यू कॉमन आ रही है. अब अंदर क्या बच गया, 22 और 0.1 तो बाहर आ गया, तो 2 × 2.4 हमारे पास बच गया. तो 2.4 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4.8, क्योंकि 24 × 2 = 48 और पॉइंट है वो एज इट इज रहेगा 4.8 प्लस ये बाहर आ गई दोनों वैल्यूज. क्या बच गया अंदर 2.5 प्लस, आप चाहो तो स्टार्टिंग में ही पाई और आर सभी में सेम है आप वो कॉमन भी ले सकते हो, प्लस 22 और 0.1 बाहर आ गए. क्या बच गया अंदर 0.7. अब बस अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे. चाहो तो आप 1/10 करके कर सकते हो कि पॉइंट हटा दिया बाय में क्या लग गया 10. अब इनको ऐड कर दो, पॉइंट के बाद में पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज ऐड होंगी ना. 7 + 5 = 12 + 8 = 20 की 0 कैरी 2 पॉइंट का पॉइंट 2 कैरी थी 2 + 2 = 4 + 4 = 8 8.0. तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 22 × 1/10 × 8. अब 22 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, कितनी हो जाएगी 8 × 2 = 16 कैरी 1 8 × 2 = 16 और 1 = 17 बाय में 10 एज इट इज. अब पॉइंट 10 है तो कितनी वैल्यू से पहले पॉइंट लगेगा, एक वैल्यू से, तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर. और इन्होंने हमसे पूछा था कि फाइंड द एरिया टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर. तो नियरेस्ट मतलब हमें इसको क्या बनाना है, एक कंप्लीट नंबर. नियरेस्ट करते हैं तो क्या करते हैं, पॉइंट में के बाद देखो 5 या 5 से बड़ी वैल्यू आती है तो एक डिजिट आगे वाली इंक्रीज हो जाती है. मतलब ये किसके नियर अबाउट होगा 18 के, तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली आप राइट कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने बोला था यू हैव टू फाइंड द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर. तो नियरेस्ट जब भी आपको फाइंड आउट करना होगा तो उसमें प्रॉपरली डिजिट फाइंड आउट करेंगे, एक कंप्लीट नंबर, ठीक है. मतलब 18 आ जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद क्या है 6 और वो 5 से बड़ा है,
5 से बड़ा नंबर है तो इसमें आगे वाले में जो है एक नंबर ऐड हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 18। या ऐसा भी कह सकते हो 17.6 किसके नियर अबाउट है, 18 के या 17 के, ऑब्वियस है 18 के, तो इसलिए क्या आ जाएगा 18। ठीक है, तो अब क्या था एवर क्वेश्चन, मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। हमारे पास एक सिलेंडर है, उसके अंदर से एक कॉनिकल कैविटी को हॉलोड आउट किया गया, मतलब उसमें से बाहर निकाला गया है कट करके, ठीक है। और दोनों की हाइट, कॉन की भी और सिलेंडर की, दोनों की जो हाइट है 2.4 है और डायमीटर कितना है 1.4 सेंटीमीटर। अब उन्होंने कहा है कि इसमें से इतना पोर्शन कट करके बाहर निकाल दिया, तो हमारे पास क्या पोर्शन बच गया, इतना पोर्शन बच गया, क्योंकि जैसे ही ये पूरा कोन बाहर निकाला तो ये अंदर वाला जितना भी पोर्शन है ये सारा खत्म हो गया। तो सिर्फ ये पोर्शन, मतलब इतना पोर्शन जो बाकी साइडों का, ये हमारे पास बच गया, मतलब इस शेप में। तो इसका एरिया निकालना है, मतलब CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ कोन प्लस पाई आर स्क्वायर, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बस फॉर्मूला राइट करके फिर इसमें सभी वैल्यूज पुट अप कर देंगे और उसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर कितना आ जाएगा, नियरेस्ट 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। मतलब एक सॉलिड सिलेंडर है, उसके दोनों, मतलब दोनों पोर्शन से, अपर भी और डाउन भी, दोनों से उसकी मतलब टॉप और बॉटम हेमिस्फीयर्स को स्कूपिंग आउट किया गया है, ठीक है, मतलब उसमें से बाहर निकाला गया है एज शोन इन द फिगर। देखो जैसे फिगर में दिख रहा है, एक सिलेंडर है और उसमें ये दोनों, आपने वो देखा है ना आइसक्रीम वाला, उसमें से जैसे हम आइस के स्कूप्स निकालते हैं, तो वही चीज आप सोच सकते हो कि इसके अंदर जो एक हमारे पास सिलेंडर है, इसमें स्कूपिंग आउट किए गए हैं दो हेमिस्फीयर्स, ठीक है, इस शेप में आपको दिख रहे हैं ये दोनों हेमिस्फीयर्स हैं, टॉप में भी और बॉटम में भी। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज, और सिलेंडर की जो टोटल हाइट है डेट इज 10 सेंटीमीटर, सिर्फ सिलेंडर की हाइट है ये, एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, और जो रेडियस है वो कितनी है इसकी 3.5 सेंटीमीटर। नाउ यू हैव टू फाइंड द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, तो इसका टोटल सर्फेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो जो अब ये रेडियस है, ये भी इसकी भी यही होगी, हेमिस्फीयर की भी और सिलेंडर की भी सेम रेडियस है, क्योंकि इनका जो बेस है वो सेम है, ठीक है। अब हमने इसका टोटल एरिया निकालना है, टोटल एरिया कैसे निकालेंगे, एक तो सिलेंडर है इसके अंदर और हमें इस पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है और इस पोर्शन का एरिया, ये बॉटम नहीं लेनी इसकी भी, ऐसे ही इस पोर्शन का, क्योंकि अंदर वाला पोर्शन, जो पोर्शन इसका सिलेंडर के अंदर आ रहा है वो तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि जो अंदर वाला पोर्शन है वो तो एरिया कुछ भी कवर करेगा नहीं। जब भी एरिया निकालना होता तो हमें अंदर क्या है उसके, इस चीज से कोई मैटर नहीं होता, सिर्फ जो इसका बाहर वाला पोर्शन होता है हमें इनका एरिया फाइंड आउट करना होता है। तो इसलिए ये जो बाहर वाला पोर्शन है ये सिलेंडर का हो गया कर्व सरफेस एरिया, और ऐसे ये वाला पोर्शन और ये पोर्शन, ये क्या हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर्स। तो इस कंप्लीट फिगर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ बोथ हेमिस्फीयर्स, मतलब इसका भी CSA और इसका भी CSA, दोनों की रेडियस सेम है तो ऑब्वियस है एरिया दोनों का कैसा आएगा, सेम आएगा। तो हम सीधा लिख देंगे CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाई CSA ऑफ हेमिस्फीयर, या आप चाहो तो दोनों को अलग अलग भी ऐड कर सकते हो, CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, वो आपकी च्वाइस है। अब क्या क्या गिवन है हमें, सिलेंडर की हाइट है 10 और सिलेंडर की रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, तो हेमिस्फीयर की भी कितनी हो जाएगी 3.5, क्योंकि इसी में से स्कूप आउट किया हुआ है, तो इसी का ही जो बेस होगा वो दोनों का क्या होगा, सेम। अब हमें निकालना है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल दैट इज इक्वल्स टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाई CSA ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों का एक साथ हो जाएगा, ठीक है। सिलेंडर का CSA क्या होता है 2πRH, 2 मल्टीप्लाई कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πR स्क्वायर, ठीक है। अब 2 दोनों में से कॉमन आ रहा है, पाई भी कॉमन आ रहा है,
रेडियस भी सेम है दोनों की, तो आर भी कॉमन ले सकते हैं। अब 2 पाई आर आ गया तो क्या बच गया अंदर, एच प्लस 2 बाहर आ गया, एक 2 रह गया अंदर, पाई बार आ गया, एक आर आ गया, तो अंदर एक आर रह गया हमारे पास। तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस रेडियस कितनी है हमारे पास 3.5, इंटू एच की वैल्यू कितनी थी 10, 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई रेडियस इज 3.5, 7 वन जा 7, 7 फाइव जा 35, 3.5 है तो क्या आ जाएगा 0.5। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 22 की 5 से, 22 फाइव जा होता है 110, तो 110 है और पॉइंट कितनी वैल्यू से पहले लगेगा, एक वैल्यू से पहले, मतलब 11.0 हो जाएगा। तो 11.0 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या लिख देंगे 11, चलो चाहो तो लिख सकते हो पहले 11.0। अब 10 प्लस 35 टू जा 70, तो 7.07। 2 मल्टीप्लाई 11 कितना हो जाएगा 22, पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं है तो आप लीव कर सकते हो उसे। अब 10 प्लस 7 17, अब 22 की 17 के साथ मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या था हमारे पास इसमें, हमारे पास एक वुडन आर्टिकल था, ठीक है, मेड बाय, जिसको कैसे बनाया गया था, स्कूपिंग आउट 2 हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, सिलेंडर के दोनों एंड से स्कूपिंग आउट किए गए थे 2 हेमिस्फीयर्स को, टॉप से भी और बॉटम से भी। और सिलेंडर की जो हाइट थी वो कितनी थी 10 सेंटीमीटर, और जो रेडियस है वो कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। और हमें इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। हमें पता है टोटल सरफेस एरिया, किसी भी फिगर का एरिया निकालने का मतलब होता है हमें अंदर वाले पोर्शन से कोई मतलब नहीं है कि अंदर क्या चीज़ है क्या नहीं। तो जो ये वाला पोर्शन है इसका हेमिस्फीयर का नीचे वाला, वो तो सिलेंडर के अंदर आ रहे हैं, तो इनको हमने कवर नहीं करना। तो ये पोर्शन लेना, इस पोर्शन का मतलब है CSA ऑफ सिलेंडर, और इन पोर्शंस का मतलब है CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो दोनों हेमिस्फीयर्स का CSA को ऐड करना है, और सिलेंडर के CSA को, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया को हमने क्या करना है ऐड। तो दोनों को अलग अलग ऐड करो, या एक का निकाल कर 2 से क्या कर दो उसको मल्टीप्लाई, एक ही बात है। अब सिलेंडर की हाइट है, रेडियस और हेमिस्फीयर और सिलेंडर की सेम है दोनों की, तो बस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πRh, और हेमिस्फीयर का कितना होता है 2πR2। 2 थे तो 2 से मल्टीप्लाई, तो बस फिर उसके बाद सभी वैल्यूज पुट अप करके इसको सॉल्व करके हमारा आंसर कितना आ गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इसी के साथ जो आपकी एक्सरसाइज जो यही पे फिनिश होती है। आई होप कंप्लीट एक्सरसाइज 13.1 आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बस मेनली इसमें एक ही कंसेप्ट है कि आपको कुछ फिगर्स का कॉम्बिनेशन, एक फिगर गिवन होगी उसका आपको टोटल एरिया फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा। तो उसमें क्या करना होता है, हमने जिस जिस भी फिगर से मिलकर वो फिगर बनी हुई होगी उन सब का हम CSA निकाल के लास्ट में क्या कर देते हैं, उनको ऐड कर देते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है TSA ऑफ द होल फिगर। ठीक है, बस अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उसमें सेम ही कंसेप्ट होगा, बस उसमें एरिया के प्लेस पर क्या होगी हमारी वॉल्यूम। ठीक है, तो ऐसे ही कॉम्बिनेशन ही रहेंगी फिगर्स का कुछ, मतलब जो फिगर होगी वो कुछ फिगर्स का क्या होगा कॉम्बिनेशन, और उसमें आपको क्या फाइंड आउट करना होगा वॉल्यूम। और उसमें भी सेम यही करेंगे, जिस जिस फिगर से मिलके वो फिगर बनेगी उनकी वॉल्यूम निकाल के उनको क्या कर देंगे लास्ट में ऐड। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से रिवाइज करोगे ताकि इसके क्वेश्चंस आपको अच्छे से और भी ज्यादा क्लियर हो जाएं।